दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी कुटीर में। मेरा नाम है पीयूष और आज हम लोग देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज का पहला पार्ट। तो दोस्तों, 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन RRB JEE के ही नहीं, और भी इस लेवल के जितने भी एग्जाम हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। टारगेट ये है दोस्तों यहाँ से कि आप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है यहाँ से पासिंग मार्क तक आराम से कर लो। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये सीरीज़ तैयार की गई है, तो देखिएगा जरूर, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। पीएच वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमन ब्लड का, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। तो 7 से ज़्यादा, ये 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिड होता है, तो 7 से ज़्यादा तो ये हो जाएगा बेस, और ये होता है अल्कलाइन बेस। तो अल्कलाइन बेस होता है हमारा, तो अल्कलाइन का मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो ब्लड जो होता है हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। और दोस्तों, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ से कि ब्लड जो होता है हमारा, जो बॉडी का वेट होता है, तो 7% जो वेट होता है वो ब्लड का होता है। और एक फैक्ट बता देता हूँ कि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, एक यूनिट दो यूनिट, तो एक यूनिट में ब्लड आखिर होता कितना है, तो दोस्तों ये होता है 350 मिलीलीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पून ड्रॉपेड बाई एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट विल बी। ये बोल रहा है कि अगर स्पून किसी अंतरिक्ष यात्री से सैटेलाइट में गिर जाता है तो क्या होगा, फ्लोर पर गिर जाएगा या फिर स्टेशनरी रहेगा या फ्लो करने लगेगा जैसे सैटेलाइट मोशन कर रही है वैसे ही, या फिर टेंजेंशली अवे मूव करेगा। तो दोस्तों, होता क्या है स्पेस में हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जीरो होती है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, m मीन्स मास और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट भी तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि बॉडी जो है हमारी स्पेस में वो तो वेटलेस हो गई, और वेटलेस हो गई, स्पून भी हमारा वेटलेस हो गया। तो जैसे सैटेलाइट आपकी मूव कर रही है वैसे ही स्पून भी मूव करने लगेगा। तो कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब हाइट पे जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे सांस लेने में हमें दिक्कत क्यों आती है। तो होता क्या है कि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 30% अप्रॉक्स 30% जो एयर प्रेशर होता है इन कंपेरिजन टू अर्थ वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर अगर कम होगा, लो एयर प्रेशर जब हो जाएगा तो होगा क्या दोस्तों, कि जो हमारा एयर मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाएंगे। अब जब दूर दूर हो जाएंगे तो फिर तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ड्यू टू लो एयर प्रेशर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज। तो जिंक और कॉपर का एलॉय पूछ रहा है किस टाइप का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों, कॉपर और जिंक की साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो सिमिलर होती है तो एक दूसरे का पोजीशन बहुत ही आसानी से ये चेंज कर लेते हैं, इसलिए जो मिक्सचर बनाते हैं यहाँ पे ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी इज। तो दोस्तों, जहाँ पे कॉन्सेप्ट देना होगा मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो क्वेश्चन आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फेमूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर हीट का पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर दोस्तों मेटल की बात करें तो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होगा वो होगा सिल्वर। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वो होगा आपका डायमंड। और अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप डायमंड पे टिक करिएगा, और यहाँ पे ना सिल्वर दिया है ना डायमंड दिया है, तो यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ चला जाएगा, मरकरी इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो मरकरी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। डाइन जो होती है ये यूनिट होती है फोर्स की, ये छोटी यूनिट होती है फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और डाइन के बारे में एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये जो यूनिट होती है ये सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस मतलब कि
ये आपका सेंटीमीटर, ये है ग्राम, मास इसमें ग्राम में लिया जाता है, लेंथ जो है सेंटीमीटर में लिया जाता है और टाइम जो है वो सेकंड में लिया जाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें पता है फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन, तो इसे हम क्या करते हैं, न्यूटन को हम सीजीएस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूटन जो होता है आपका वो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाइड बाई, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एक वैल्यू हमने ले लिया। अब इसे हमने करने का करना क्या है कि सीजीएस में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम, और मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड ऐसे ही होता है, सीजीएस में भी सेकेंड ही लिया जाता है इसलिए हम सेकेंड को ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 10 to the power 5 ये आपका डाइन बन जाता है, ये सीजीएस यूनिट हो गई डाइन, और ये इक्वल है 1 न्यूटन के। अब हम क्या करेंगे, एक डाइन पूछ रहा है तो डाइन 10 to the power जो 5 है इसको इधर हम लेके आते हैं तो क्या होगा, देखिए एक डाइन इज इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। तो एक डाइन में जो होता है न्यूटन हमारा वो होता है 10 to the power 5 9 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको दोस्तों ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा 1 डाइन में और ऑप्शन में दे देगा 10 to the power -5 9, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सेटेलाइट इन वैक्यूम। तो सेटेलाइट जो वैक्यूम में मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये सेटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि एनर्जी कहाँ से लेता है मूव करने के लिए। तो दोस्तों जो जब भी रोटेशन की बात आती है, गोल चक्कर की बात आएगी, तो दो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है हमारा बाहर की तरफ लगता है, लेकिन यहाँ पे सेटेलाइट को जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी की वजह से लगता है अर्थ की, और वो अंदर की तरफ लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिराइव्स द एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्मोक इज फॉर्म ड्यू टू। तो पूछ रहा है कि स्मोक कैसे बनता है। तो स्मोक जो होता है हमारा वो होता है एरोसोल, और एरोसोल जो होते हैं ये बनते हैं जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर गैस में मिक्स हो जाता है तो एरोसोल बनता है। तो स्मोक में भी क्या होता है, कोई भी चीज बर्न करती है तो राख जो निकलती है वो एयर के साथ मिक्स करती है या गैस के साथ मिक्स करती है तो स्मोक बन जाता है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड डिस्पर्स्ड इन एयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन अ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम को जब हम ऐड करते हैं वाटर के साथ तो होता क्या है। तो यहां पे आपने की कभी किया होगा, क्विक लाइम को ऐड किया होगा वाटर से, तो क्या होता है, एक तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या होता है हीट लिबरेट होता है, लिबरेट होता है मतलब बाहर निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीट इज लिबरेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेव्स कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। इसमें पूछ रहा है कि जो ऑप्शन में जो भी वेव्स दी हुई है कौन सी वेव है जो वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसको मीडियम चाहिए होगा, वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता नहीं है, जिसको मीडियम चाहिए होगा वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी वैक्यूम में। तो ऑप्शन देखते हैं, लाइट, तो लाइट तो वैक्यूम में मूव करती है, इसका स्पीड हम लोग पता है हम लोगों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हम लेते हैं ये वैक्यूम में ही लेते हैं ना। और हीट भी मूव करती है वैक्यूम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मूव करती है। तो साउंड जो होता है इसको चाहिए होता है मीडियम, जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में तो हम लोगों के बीच में जो मीडियम होता है वो एयर होता है जो कि हमारी आवाज़ को दूसरे के यहाँ पहुँचाता है। और साउंड से एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सॉलिड साउंड की जो स्पीड होती है वो पूछता है सॉलिड, लिक्विड और गैस किसमें सबसे तेज होती है दोस्तों। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे तेज होती है, उसके बाद आता है लिक्विड, उसके बाद आता है आपका गैस। तो क्वेश्चन में ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ये तीनों ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि साउंड की स्पीड इनमें से किसमें से सबसे ज्यादा तेज होती है, तो सॉलिड में आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन आउट ऑफ दीज इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो यहाँ पे सुसाइडल बैग हम बोलते हैं लाइसोजोम को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइस क्यूब्स आर एडेड टू अ ग्लास ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास ऑफ प्योर एल्कोहल, आइस क्यूब वुड बी।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आइस क्यूब, एक का आपका ग्लास है जिसमें वाटर है, ठीक है दोस्तों, और एक ग्लास है उसमें एल्कोहल है आपका। तो पूछ रहा है कि आइस क्यूब हम डालेंगे तो क्या होगा, किसमें हायर लेवल पे वो रहेगा, या फिर एल्कोहल में रहेगा, वाटर में रहेगा हायर लेवल पे, या दोनों में सेम लेवल पे रहेगा, या एक में डूब जाएगा और एक में तैरेगा। तो होता क्या दोस्तों, आइस क्यूब जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है, और वाटर से अगर डेंसिटी कम है तो ये तैरता है। और एल्कोहल में क्या होता है कि एल्कोहल की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है आइस क्यूब से, मतलब कि आइस क्यूब की डेंसिटी एल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है, ये डूब जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एट हायर लेवल इन वाटर, तो वाटर में क्या है, हायर लेवल पे होता है, एल्कोहल में तो डूब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज, तो करोजन क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई मेटल है और उसे हम एयर के साथ, वो जब भी मिक्स होता है तो एयर के साथ वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन एक होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या होता है, मेटल के ऊपर एक परत बन जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं करोजन। और यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आयरन पे, आयरन अगर एयर के साथ मिक्स करता है तो इस पे जो कोटिंग होती है वो किस कलर की होती है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो उस पे जो कोटिंग होती है ब्राउन कलर की होती है, ये सही है। कॉपर पे ग्रीन कलर की होती है और सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जब एयर के साथ मिक्स होते हैं, तो ये तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ पे जो चेयरमैन पूछ रहा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर डिपेंड्स ऑन, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो होती है हमारी, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पहले हम डिनोट करते हैं रो से, जो कि एक ग्रीक लेटर होता है, और रेसिस्टिविटी जो होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है डायमेंशन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें तो डायमेंशन, लेंथ भी डायमेंशन के अंदर आ जाएगा आपका, और थिकनेस भी आ जाएगा, और शेप भी आ जाएगा। तो ये तीनों जो है, तीनों पे डिपेंड जो करेगा हमारा वो तो रेजिस्टेंस करेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पे रेसिस्टिविटी आपका डिपेंड करेगा। और दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ से पूछता है, रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट हम निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमें पता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो, ए को इधर लेके जाते हैं हम, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ नीचे आ जाएगा तो मीटर, तो मीटर से मीटर गया, तो इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो आप ओम मीटर पे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टार्टेरिक एसिड के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, क्या कम करने के लिए प्लेयर, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कैच पकड़ते हैं तो अपना हाथ पीछे खींचते हैं, यही पूछ रहा है क्या कम करने के लिए हम लोग पीछे खींचते हैं। तो दोस्तों करते क्या, हम पीछे खींच के टाइम इंटरवल बढ़ाते हैं, टाइम इंटरवल को इंक्रीज करते हैं। टाइम इंटरवल इंक्रीज होने से होता क्या, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो कम हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होता है हमारा, और फोर्स भी कम होता है, जिससे होता क्या है, इंजरी होने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो नहीं दिया है, सिर्फ मोमेंटम दिया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इंपल्स भी नहीं होगा, कैचिंग टाइम भी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द डैम क्लॉथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर्स बाई द एक्शन ऑफ, पूछ रहा है कि गीला कपड़ा जो है स्पिन ड्रायर्स में जल्दी सूखता है, ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन में ही जो कपड़ा हम डालते हैं तो वो ऐसे गोल गोल घूमता है, ये मान लीजिए कपड़ा है हमारा और ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो होता क्या दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स लगता है बाहर, कभी भी गोल चक्कर की हम बात करेंगे तो दो फोर्स की बात होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उसमें होता क्या है कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो इससे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमारे क्लॉथ से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाते हैं तो कपड़ा हमारा ऐसे गोल गोल घूमता है और ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाते हैं, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज व्हेन द, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉयल हमने प्लेस कर दिया, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स इसका हम इंक्रीज कर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स इज द लार्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पावर हाउस जो सेल का होता है वो होता है मिटोकॉन्ड्रिया। ये करता क्या है कि जो बैरियर सेल्स होते हैं उसको एनर्जी देता है उनके जो भी कार्य होता है उनको करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है रॉन्ग क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज कैसे तैयार होती है। तो छोटे से बड़ा करके देखते हैं हम इधर से, तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 हम कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 × एक एक इंक्रीज करते जा रहे हैं यहाँ से, 4 × 3 तो हमारा 12 आ रहा है, और यहाँ पे 12 इसको इधर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 48। और आगे देखते हैं 48 × अगर हम यहाँ पे एक जोड़ के 5 करें तो हमारा आएगा 240। तो यहाँ पे ये सीरीज तो बन रही है और यहाँ पे ये 50 है, अगर यहाँ पे ये 48 होता तो ये सीरीज सही होती, तो यहाँ पे जो रॉन्ग होगा आपका वो हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्स हॉस्पिटल फार्मर, तो यहाँ पे क्या है, नर्स हॉस्पिटल में जाती है अपना काम करने के लिए, तो फार्मर कहाँ पे जाता है, फील्ड पे। तो इसका जो राइट आंसर वो फील्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉय वॉक 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर वेस्ट गया, ये वेस्ट होगा, तो 2 किलोमीटर ये वेस्ट गया। उसके बाद इसने अपना लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर आया, उसके बाद इसने राइट लिया अपना और 4 किलोमीटर, उसके बाद ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो एक और बार ये अपना लेफ्ट लिया और कहाँ गया, 5 किलोमीटर गया दोस्तों। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, मतलब कि ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये कितना दूर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमें पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, ये कितना है, 4 और 2 6 किलोमीटर है आपका, और ये देखें हम तो 5 और 3 ये है 8 किलोमीटर, ये हमने निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6² + 8² करेंगे तो ये √100 आ जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो 10 किलोमीटर के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सन साइकिल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 100 मिनट इफ हिज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेज इज, तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 60 मिनट में ये जा रहा है 18 किलोमीटर, तो 1 मिनट में देखें तो कितना जाएगा, ये 18/60 हो जाएगा, और 100 मिनट की हम बात करें तो 100 मिनट में ये चला जाएगा 18/60 × 100, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 3 = 18 होगा, मतलब कि ये 30 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, वैसे मैं जब कराऊंगा मैथ्स का एक एक टॉपिक अलग से, तो बहुत ही ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू कराने वाला हूँ, कि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, देखिएगा और तुरंत टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसका हम मान लेते हैं प्राइस है 100 रुपया, ठीक है दोस्तों, उस पर डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट है हमारा 20% और 5% का, और पूछ रहा है कि सिंगल डिस्काउंट इनके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा। तो देख लेते हैं हमें कितने की पड़ रही है ये डिस्काउंट के बाद, तो देखिए 100 रुपये की है और यहाँ पे 20 को 100 में माइनस कर लेते हैं तो 80/100, और यहाँ पे 5% है तो 95 × 100, तो ये हमें पड़ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 × 2 = 10, और इसको देखते हैं 5 से
तो ये हो जाएगा 19, ये 2 2 2 4 जा 8, तो 19 × 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 76 का। 76 का पड़ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, और दोनों को हम साथ लेके देख रहे हैं दोनों डिस्काउंट को, तो 76 का ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, मतलब डिस्काउंट हमें कितना का मिला। तो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट देखें तो 100 - 76 हम करते हैं तो 24% हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल गया, तो 24% इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है वायरसेस और मेड अप ऑफ, तो वायरस किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन, कौन सी क्रॉप है जो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ा देती है। नाइट्रोजन पता है दोस्तों सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी क्वाइल है जो नाइट्रोजन देती है सॉइल को, तो लेगमस होते हैं हमारे जो कि नाइट्रोजन हमारे सॉइल में इंक्रीज करते हैं। तो लेगमस के अंदर आता है आपका पी आता है, पीनट्स आता है, मूंगफली और सोयाबीन भी इसके अंदर आता है। तो दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे देखें हम तो पी दिया होगा, तो पी इज द राइट आंसर, अगर पीनट्स और सोयाबीन भी दिया होता तो भी उस पर भी हम टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया दोस्तों पता है एक केमिकल फर्टिलाइजर है, ये भी क्या करता है नाइट्रोजन जो है इंक्रीज करता है, केमिकल फर्टिलाइजर है ये, और ये भी नाइट्रोजन सॉइल में इंक्रीज करने का काम करता है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ सके। तो केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें नाइट्रोजन का तो वो होता है CO NH2 और 2, तो यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, तो ऑप्शन में हम देखें तो इसका ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिसीज डज क्विनिन क्योर एंड फ्रॉम विच प्लांट इट इज ऑब्टेंड, तो क्विनिन क्योर जो होता है दोस्तों हमारा वो मलेरिया डिजीज के लिए होता है, और ये ऑब्टेंड होता है जो प्लांट है वो चिनकोना होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेयर डाइज में कॉन्टेन द बेस, हेयर डाइज में कॉन्टेन द बेस क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, जब अमोनिया को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है NH4OH होता है। व्हाट इज हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट क्या होता है दोस्तों, हाई एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट की बात करें हम तो ये होता है टोटल 35 है हमारा वर्ल्ड में, और 4 जो है वो इंडिया में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, कि ये जो तीनों हैं इनके पास 3 pairs ऑफ लेग्स होते हैं, और स्पाइडर के साथ है मकड़ी के पास 4 pairs ऑफ लेग होता है, तो 4 pairs ऑफ लेग जिसके पास होता है ये तो इंसेक्ट होगा नहीं, 3 pairs ऑफ लेग जिसके पास होता है उसे हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट जो नहीं है वो है आपका स्पाइडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यू कैन मेक सॉप एट होम बाय वेजिटेबल ऑयल एंड, तो वेजिटेबल ऑयल को हम किसके साथ गर्म करते हैं तो हमारा सॉप बनता है, तो दोस्तों बचपन में हम लोग बनाते भी थे वेजिटेबल ऑयल को, कॉस्टिक सोडा के साथ अगर हम गर्म करें तो सॉप हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे सकता है कि कॉस्टिक सोडा को हम किसके साथ गर्म करते हैं, तो अगर वेजिटेबल ऑयल की जगह पे आपको फैट्स भी दिया होगा तो भी आप फैट्स पे भी टिक कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वेजिटेबल ऑयल को कॉस्टिक सोडा के साथ हम मिक्स करके सॉप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, तो इसका बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, ये होता है फ्रिक्शन, पता होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पी एंड क्यू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, क्यू एंड आर इन 15 डेज, तो यहाँ पे वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का दोस्तों, तो पी प्लस क्यू जो है आपका ये कर रहा है 12 डेज में, और क्यू और आर जो है उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और आर और पी उसी काम को कर रहे हैं 20 डेज में, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले टोटल वर्क, तो टोटल वर्क दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 60, एलसीएम निकाल लेंगे इसका तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं,
इफिशियंसी हम हमेशा एक दिन की निकालते हैं, तो इफिशियंसी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक दिन में पी प्लस क्यू मिल के 5 काम कर रहे हैं, क्यू और आर मिल के 4 काम कर रहे हैं, और पी और आर मिल के 60 में हम 20 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, कि इसको जो है हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी जो है एक दो बार आ रहा है, क्यू भी दो बार आ रहा है, आर भी दो बार आ रहा है आपका। तो 2 प्लस P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू, अगर इसको भी हम जोड़ लें तो कितना होगा, 5 4 9 3 12। तो P प्लस Q प्लस R मिलके एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो 6, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 आएगा। और यहाँ पे P प्लस Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एक दिन में, तो R हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछा है, P कितने अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे Q और R आपका दिया हुआ है 15, Q और R दिया हुआ एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, एक दिन में ये काम कर रहे हैं 4। तो P आपका एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में देखा जाए तो ये यहाँ से 4 6 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 काम, एक दिन में 2 काम कर रहा है और काम हमारे पास है 60, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा देखा जाए तो यहाँ से अगर हम 60 में डिवाइड कर दें 2 से तो ये 30 दिन लग जाएगा। ऑप्शन में 30 नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, 30 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 12 14, और ये मान लेते हैं एक्स है हमारा, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों समझ में आए तो ठीक, नहीं तो मैं इंडिविजुअल एक एक टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का बहुत ही अच्छे से। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12 × 14 / 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8, 4 3 12, 2 7 14, 7 × 3 = 21, 21 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ, तो यहाँ पे सेंसस की हम बात करें दोस्तों तो ये दो हुआ था, एक हुआ था ऑफिशियल और एक हुआ था अनऑफिशियल। अनऑफिशियल जो हुआ था हमारा 1872 में हुआ था, और इसके 9 साल बाद 1881 में ऑफिशियल हुआ था। तो 1872 में जो वायसराय थे हमारे वो थे लॉर्ड मायो, और 1881 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, दोनों को याद रखिएगा, अगर ऑफिशियल मेंशन कर दे क्वेश्चन में तो आप लॉर्ड मायो क्लिक करिएगा, ये हुआ था 1881 में, और अनऑफिशियल की जब बात करें तो लॉर्ड मायो करिएगा, ऑफिशियल की बात करें तो लॉर्ड रिपन करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बेसबॉल ईच साइड, एक साइड में बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये 9 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जो कंट्री जहां पे सूरज सबसे पहले निकलता है वही कंट्री पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है जापान, फ्रांस नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, यूएसए भी नहीं होगा। थ्री नेशनल लीडर्स वेयर टुगेदर कॉल्ड लाल बाल पाल, तो विच इज नॉट इन इट, तो इसमें कौन नहीं है जो लाल बाल पाल बोले जाते थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जोजिला पास कनेक्ट, तो जोजिला पास जो है हमारा वो कनेक्ट करता है ले और श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, तो इसका ऑप्शन जो है वो मिल के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ, तो पहला ऑप्शन जो हमारा वर्गीज कुरियन M.S. स्वामीनाथन, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा M.S. स्वामीनाथन। इसके बाद क्या हुआ था, फूड गेन जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में वो इंक्रीज हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। वर्गीज कुरियन दोस्तों ये अमूल जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं, वर्गीज कुरियन का बर्थडे होता है हमारा 26 नवंबर को, और इसी दिन हम नेशनल मिल्क डे के नाम से मनाते हैं इसको, नेशनल मिल्क डे होता है ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, नेशनल मिल्क डे किस दिन मनाते हैं हम लोग, तो 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो जो न्यू कॉइन रुपया जो इशू हुआ था वो कब हुआ था यही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शेरशाह सूरी। इसी समय पैसा भी, रुपया और पैसा दोनों इशू हुआ था पहली बार, और ये शेरशाह सूरी जो है
सू डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सू डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा वो शेरशाह सूरी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज के दूसरे पार्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।